हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल B6K व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो होने वाली है। आपको पता होगा कि दो दिन पहले ना क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें ना एलवी शर्मा और मुनावर फारूकी जो थे वो अपोजिट टीम में थे। तो आपको ये भी पता होगा यार वहाँ पे ना बहुत सारे सुपरस्टार भी आए थे और बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी भी थे और बहुत ज्यादा क्रिकेटर भी थे। उस मैच में ना बहुत से लोग सोच रहे थे कि यार एलवी शर्मा और मुनावर फारूकी की ना वहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट हो सकती है, लेकिन वहाँ पे ना सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। मुनावर फारूकी और एलवी शर्मा जो होते हैं वो ना एक दूसरे को गले मिल लेते हैं और कोलैबोरेशन कर लेते हैं। और तो मुनावर फारूकी को एलवी शर्मा के साथ व्लॉग बनाते हुए भी देखा गया था। बहुत से लोगों को ना ये कहना था कि यार एलवी शर्मा को ना मुनावर फारूकी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुनावर फारूकी ने पास में ऐसे कमेंट पास किए जिससे ना हिंदुस्तान सेंटीमेंट बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। और इसी चीज को लेते हुए एलवी शर्मा को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है ट्विटर पे भी और प्लस यूट्यूब पे भी मिल रही है। इसी चीज को क्लैरिफाई करते हुए एलवी शर्मा की एक रिकॉर्डिंग सामने आई है, तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। क्या मुंह लटका के कुत्ते का सा मुंह लेके घूमता रहूं कि किसी से बातचीत नहीं दूर दूर से? भाई चैरिटी मैच था वो, अब अक्षय कुमार भी उसके साथ खेला था, अक्षय कुमार को भी गाली बकोगे तुम कि साथ में बैटिंग कैसे कर ली? इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो उसमें भी इंडिया वालों को गाली बक दो कि पाकिस्तान के साथ मैच कैसे करते, ये तो एनिमी कंट्री है। तो जब आप दूसरी फील्ड पे जाते हो, जर्सी पहनते हो किसी क्रिकेट की, तो आपको काफ़ी चीज़ें भूलनी पड़ती हैं और वो दिखाना पड़ता स्पोर्ट्समैनशिप कि हम यहाँ पे गेम खेलने आए, ना कि एक दूसरे के ऊपर हेटरेड निकालने आए। जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है तो मुनावर फारूकी जो वो पॉपकॉर्न खाते हुए दिखे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, वो ना सबको ऐसे फील करा रहे कि वो उस कंट्रोवर्सी का मजा ले रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद मुनावर फारूकी और UK07 राइडर की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। UK07 राइडर ने मुनावर फारूकी को ओपन चैलेंज दे दिया कि बॉक्सिंग के लिए। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। तो यार अभी ना इंटरनेट देख रहा था मैं, एंड ये एल्विश भाई वाला मैटर बहुत बड़ा बन चुका है। अब जो हो गया वो हो गया, बट मेरे को ना ट्विटर पे बहुत सारे लोग मुनावर की स्टोरी टैग कर रहे थे, घर पे बैठ करके पॉपकॉर्न खा रहे हैं। भाई स्टेट तेरे को टैग करके स्टोरी डाल रहा हूँ, मुनावर अगर पिछवाड़े में दम है ना भाई, तो ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना, ऑनलाइन ट्रॉल करना छोड़ दे। 1v1 बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर और वहां मिल, वहां बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो आ रही है, वो रही है मैक्सटन और एलवी यादव की साइड से। मैं आपको बता दूं ना, क्लिप बहुत तेजी से वायरल हो रही है, इसमें एलवी यादव जो है वो मैक्सटन को मारते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। YouTube कॉपीराइट इश्यू, इसलिए मैं आपको पूरी क्लिप दिखा नहीं सकता, लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि यार एलवी शर्मा ना बाहर से आते हैं, मैक्सटन ना अकेला होता है और दे तापड़ देना शुरू हो जाते हैं। और मैक्सटन को वहां से ना सारे ग्रुप में पकड़ लेते हैं, कोई मुंह में देता है सॉरी। नेक्स्ट वीडियो आ रही है, वो रही है आमिर भाई की साइड से। आमिर भाई ने UK07 राइडर को पोक किया और पोक करते हुए वो ना अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हंसते हुए दिखे UK07 राइडर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको स्टोरी बढ़वा देता हूँ। कुछ सुनने में आया है कि मार्केट में न्यू बॉक्सर आया है, हा हा हा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आमिर भाई भी इस कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बनने वाले हैं नहीं? कॉमेंट करके जरूर बताना, ये भी कॉमेंट करके जरूर बताना कि अगर बॉक्सिंग हुई तो दंड मुंह किसके टूटने वाले। नेक्स्ट वीडियो आ रही है, वो रही ब्लॉग्स पे सुमित की साइड से। उनके चैनल से एक वीडियो उठ रही है जिसमें वो आमिर भाई को ट्रोल करते हुए दिखे और उनको ये क्या यार इसने ना 5,000 रुपए किसी का देना है, इसलिए ये मुंबई भाग गया। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। मैंने बोला शायद फैन होंगे, कहते भाई हमसे वो सामान ले गए थे, 5,000 पेंडिंग है। और तो और इन्होंने आमिर भाई को ट्रोल करते हुए ये भी क्या किया, बाप से बेटा पैदा हुआ है ना कि बेटे से बाप। सबसे पहले आप छोटी सी वो क्लिप भी देख लो। बच्चा है ना, बच्चा रे बाप मत मन, आजकल लोग ये भूल गए भाई कि बाप से ही बच्चा आया। सौरभ जोशी की साइड से होता क्या, सौरभ जोशी ना घूमने के लिए निकलते हैं अपने घर से बाहर और साइड से ना एक गाड़ी जा रही होती है और गाड़ी वाला ना सौरभ जोशी को गाली दे देता है। इसी के रिलेटेड सौरभ जोशी ने क्या कहा, तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। आपने देखा होगा मैं व्लॉग में बहुत कम दिखाता हूँ, मैं डेली चलाता हूँ इसको, बट मैं व्लॉग में दिखाता नहीं हूँ। अभी एक गाड़ी वाले ने पता क्या किया, मुझे एक ऐसी गंदी गाली दी और मैंने पता क्या किया, फिर मैंने भगवान से प्रे किया उसके लिए कि भगवान प्लीज उसके साथ कुछ बुरा मत करना। नेक्स्ट वीट आ रही है, वो रही है झटप्रभ जोत की साइड से। आपको पता होगा कि झटप्रभ जोत का वो व्लॉग नहीं आ रहा, इसका रीजन बताते हैं, वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड किए हैं। सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी तक व्लॉग क्यों नहीं आया, अभी तक व्लॉग क्यों नहीं आया। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं। आप लोग देख लेना आज व्लॉग क्यों नहीं आया, और अब जो अगला व्लॉग आएगा वो आएगा करीबन अगर 24 से मैं डिवाइड करूं एक महीने बाद। तो जिस स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं तो ये साइड में आपको दिख रहा होगा, जिसमें ना 1,000 से भी ज्यादा घंटे दिखा रहा है अपलोडिंग टाइम के लिए। नेक्स्ट वीडियो आ रही है, वो रही है मनोज दे की साइड से। वो एक चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखे, पता क्या, एक फैन आता है उनसे मिलने के लिए उनके घर में, विदाउट परमिशन वहां पे वीडियो बनाने शुरू हो जाता है। इसी के रिलेटेड मनोज दे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एंग्री दिखे, तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। उसके बाद वो बंदा मेरे घर पे आया, मेरे घर पे मेरे अंकल ने बताया कि वो घर पे नहीं है और बोला कि विदाउट परमिशन वीडियो मत बनाइए।
सेकंड नंबर मेरे घर वाले ने जब बोल दिया कि घर पे नहीं है तो उस पे बात पे भरोसा नहीं है। आप खुद बोल रहे हो कि नहीं वो घर पे ही था, मेरे से मिला नहीं, बहुत घमंडी हो गया है। आ रही है बोरिया वाइल्ड वुल्फ की साइड से। क्या वाइल्ड वुल्फ छक्का है? कि हाँ सही सुना आपने, इनके चैनल से एक वीडियो उठी है जिसमें ना उनका छोटा भाई कपड़े चेंज कर रहा होता है और बार बार ना वो ओकड़ ओकड़ के देखते हैं, इसी के रिलेटेड उनका भाई उनको ना छक्का बोल देता है। तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप भी देख लो। क्या कर रहे हो? जो है बोलो 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 सब छक्का सबको छक्का सबको बोलो क्या कर रहे हो? सबको बोलूंगा तू छक्का है। बाकी आप ये कमेंट जरूर करना कि वाइल्ड वुल्फ छक्का है। जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो रही अंकित बयान पूरिया की साइड से। अंकित बयान पूरिया को नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला, तो ये साइड में आपको पिक्चर दिख रही होगी। आज की अपडेट यहीं तक थी, अगर वीडियो देख सकते थे यहाँ तक पहुंची तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। बाकी ये हमारे साइड में आपको इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।